अधिकारी उनका हालचाल पूछता है, क्योंकि वो वोट बैंक है, प्रजापति वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनका हालचाल जानने के लिए कोई नहीं जाता है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, बजट पे चर्चा करने के लिए हम एकत्र हुए हैं, लेकिन मेरे 7-8 दिन के विधानसभा का जो मुझे अनुभव मिला, अभिभाषण के समय जो अनुभव मिला, नेता प्रतिपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला, और बार बार वो लोग जो लोग ये कहते हैं कि हम पिछड़ों के हिमायती हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आदरणीय केशव मौर्या जी पिछड़े समाज से नहीं आते हैं? एक जरा सी बात को लेकर के उन्होंने यही तो कहा था कि 25 साल आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप देख लीजिए, मैं आदरणीय विपक्ष के साथियों से कहता हूं, इसी विधानसभा के मंडप पर एक चित्र बीच का लगी है, आदरणीय योगी जी के बाद आगे कोई स्थान नहीं कि किसी का स्थान बन जाए वहां पर। आदरणीय योगी जी का ही आखिरी चित्र लगा हुआ है वहां पर। ये एक उदाहरण है कि आदरणीय योगी जी आगे मुख्यमंत्री रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, आप लोगों ने पिछड़ों का वोट लेकर के सिर्फ उनका उपयोग करने का काम किया है। आपने ही हमारे समाज के एक व्यक्ति को मंत्री बनाया था, और वो कहां कहां हिसाब देता है ये आपको पता होगा, और जब से वो जेल चले गए किसी ने सुध नहीं ली। दूसरी बात, और जिनको आप वोट बैंक समझते हैं, आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जिनको ये वोट बैंक समझते हैं, उनके यहां इनके चाचा भी जाते हैं, पिताजी भी उनका हालचाल पूछते हैं, बेटा भी उनका हालचाल पूछता है, क्योंकि वो वोट बैंक है, प्रजापति वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनका हालचाल जानने के लिए कोई नहीं जाता है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, रही बात बजट की, मैं पूरे बजट को सुन रहा था, पढ़ा है मैंने बजट के एक एक बिंदु को पढ़ने के बाद ही लगता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे महिला विकास का क्षेत्र हो, चाहे सुशासन की जितनी भी बातें हैं, सभी बातें उसमें समाहित है। और बजट निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी के मंत्रिमंडल को मैं धन्यवाद देता हूं। सिर्फ और सिर्फ कृषि की अगर हम बात करें तो 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को क्रियान्वित करने का काम किया गया है, और वो कृषि विज्ञान केंद्र जो पहले सिर्फ एक सफेद हाथी हुआ करते थे। मैं एक उदाहरण बताऊं, मेरे जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, 2005 में स्थापित किया गया, 2017 तक उसमें कभी स्टाफ पूरा नहीं हुआ, एक वैज्ञानिक और एक सहायक के साथ चलता रहा। 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी तो पूरे स्टाफ के साथ आज भी कुशलतापूर्वक कृषि विज्ञान केंद्र जनपद को सेवाएं दे रहा है। इसी प्रकार से मैं अपनी क्षेत्र की समस्याओं को भी आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। एक तो बुंदेलखंड से मैं आता हूं, आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है, और जब गरीब परिवार के लोग शादियां करते हैं, उनको गांव में जब तक विद्यालयों में बरातों की रुकने की व्यवस्था होती थी तो सदैव सहजता होती थी, लेकिन आदरणीय न्यायालय के आदेश के बाद वहां बरातें नहीं रुकती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बुंदेलखंड के एक बरातशाला या सामुदायिक केंद्र बनाने का काम करें। साथ ही साथ जिस तरीके से किसान दुर्घटना बीमा चल रहा है, मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि रोज आए दिन सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं, और उन दुर्घटनाओं में लोग अपने परिवार को छोड़कर के चले जाते हैं। जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और उस दुर्घटना में वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से बीमा से आच्छादित किया जाए, ये मेरा आपसे निवेदन है। साथ ही साथ एक निवेदन और है, कृपया संक्षेप करें। एक हमारे मोदाहा विकास खंड हमारी विधानसभा में परेटा गांव पड़ता है, वहां चंद्रावल नदी पड़ती है, बाढ़ के समय उस गांव के लोगों को 15-20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। अगर उसमें एक लघु सेतु का निर्माण हो जाए तो उस गांव के लोग और चार से गांव के लोग उससे प्रभावित होकर के अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक चला सकेंगे। साथ ही साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बालिका इंटर कॉलेज की अगर स्थापना हो जाए तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा।